गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मेहर है, मैं MA सेम वन से हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं और अगर उनको बचपन से पेरेंट्स का यू नो लव केयर अफेक्शन अगर नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा जब टीनेज में आते हैं तो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो वो जब बाहर की दुनिया में जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं या फिर वर्क प्लेस पर भी अगर काम करते हैं तो लोगों की जो वाइब होती है एनर्जी से कंफर्टेबल और सेफ फील नहीं करते। तो सर, क्या ये चीज़ उनको आगे जाके कमज़ोर बना सकती है बहुत ज़्यादा, और क्या वो अपने बारे में मॉरली बहुत ज़्यादा डाउन फील कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो वो किस तरह इस चीज़ से कोप अप कर सकें? अच्छी बात, गर्म लोहे पे आप चोट कीजिए हल्की सी वो मुड़ जाती है। तो जैसे आपने कहा ना, उसका एक शब्द में जो एक सेंटेंस में जवाब यही है कि अगर आपके भीतर नेगेटिविटी है तो यानी आप गर्म हैं तो आपको चीज़ें अपने हिसाब से रूट कर सकती हैं, आपको डाइवर्ट कर सकती हैं, आपको शांत होना पड़ेगा। तो आपने पहली जो बात कही कि क्या वो डाइवर्ट हो सकते हैं, क्या वो परेशान हो सकते हैं, क्या फील हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज़रा सी चोट पड़ेगी तो गर्म लोहा है, वो तो गर्म लोहे में चोट पड़ी वो तो मुड़ गया, उसे जिस पर जैसी चोट पड़ी वैसे आकार ले लिया उसने, यही तो होता है ना, जब वैसे आकर ले लेगा तो उसमें उसकी सोच तो कुछ रही नहीं, उसके भीतर तो एक नेगेटिविटी वाली गर्मी भरी हुई है तो वो उसी के अनुसार आकार ले लेगा। अब अगर वो चाहता है कि वो उससे परे हटे और एक बेहतर जगह की तरफ जा सके तो उसे पहले अपने आप को शांत करना होगा, एकांत में जाना होगा, क्योंकि जीवन हमेशा आपके अनुरूप नहीं चल रहा। जैसे शुरू में कह रहा था कि ज़बरदस्ती वाली जो बातें होती हैं उसका अर्थ में समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, जीवन सदैव आपके लिहाज से नहीं चलता। हम भगवान श्री राम की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं, हम लोग महाभारत की तरफ रुख करते हैं या फिर किसी की तरफ रुख करते हैं, जीवन में किसी भी आप एक लेजेंड का नाम लीजिए, किसी का भी जिसे आप लेजेंड मानते हो, मदर टेरेसा बड़े अच्छा। अब देखो मदर टेरेसा ने क्या किया, अपना जीवन आहूत कर दिया। अब मदर टेरेसा के पीछे की तरफ आप जाके देखिए कि उसके जीवन में कितनी परेशानियाँ आती, वो तंगी झेलती है, वो तोहमतें झेलती है, वो नन बनती है, फिर विद्रोह करती है और फिर परेशानियाँ देखती है, फिर दया देखती है और फिर वो जाके सेवा के अंदर लगती है, और वो एक ऐसे जगह पे आती है जहाँ पे उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान एक ऐसी समुदाय की गिरफ्त में है जो उन्हें टॉर्चर कर रहा है, जो उन्हें परेशान कर रहा है, और वो दुर्भाग्य से कहे या जिसकी वजह से भी कहिए उस समुदाय से आती है। तो मान लीजिए कि आपकी जाति कुछ भी हो, मेरी जाति कुछ भी हो, लेकिन हमारे सबके ऊपर क्या एक जाति का तिलक लगा रहता है सोच के पीछे, है ना, कि साहब ये तो ऐसा है तो ये तो ऐसा ही करेगा, ये तो ऐसा है तो ये ऐसा ही करेगा। तो आप सोच के देखिए क्या उन्हें उन चीज़ों का दंश तो नहीं झेलना पड़ा होगा, परेशानी नहीं झेलनी पड़ी होगी, तो यानी उनकी परेशानियाँ ज़्यादा रही होंगी, तो उन परेशानियों से वो निकल कर आती हैं और फिर अपने आप को आगे प्रूव करती हैं, यानी भीतर से शांत करती हैं। हम भगवान श्री राम की बात करें, जिसमें कह रहा था श्री राम भगवान की बात करें, आपको लगता है कि भगवान श्री राम की जितनी या भगवान श्री कृष्ण की जितनी समस्याएं किसी के जीवन में होंगी आपके और हमारे जीवन के अंदर? श्री कृष्ण को देखिए, वो जेल के अंदर पैदा होते हैं, जिसके माता पिता बताओ राजा जेल के अंदर पैदा हो रहे हैं, उनके पिताजी जैसे तैसे करके उन्हें एक थर्ड पार्टी के बारे में छोड़ के आ रही, जिन्हें जानते नहीं, और फिर एक दिन 8 साल या 10 साल का होने बच्चे को पता चलता है कि उसको 10 साल तक मारने के इतने सारे प्रयास किए जाते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो जैसे तैसे बच के निकलता है और 10 साल का होने के बाद पता, एक दिन से कोई कहता है कि ये तेरी माँ नहीं, आप उसे देवी रूप में मत देखिए, आप उसे इंसानी रूप में देखिए, उसे कहता है तेरी माँ नहीं है, गाज नहीं गिर पड़ेगी उसके ऊपर, ज़मीन निकल जाएगी पाँव, क्योंकि मेरी माँ नहीं है जो मुझसे इतना प्यार करती है, वो मेरी माँ नहीं जो मेरे लिए सब कुछ कर देती है, मेरे पिता नहीं हैं। उन्होंने चाहा उसे निकलते, उन्होंने बहुत हर्ष स्वीकार किया कि यही मेरी नीयत है। वो मथुरा जाते हैं, कंस का वध करते हैं और फिर अपनी शिक्षा के लिए जाते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर उनके अलग अलग तरह के आरोप लगते हैं, कभी उन्हें रणछोड़ कहा जाता है, कभी मुरली कहा जाता है, कभी गोवर्धन कहा जाता है, कभी अलग अलग रसिया कहा जाता है, कभी मतलब ढेरों नाम, भगवान श्री कृष्ण 108 नाम है, सारे नाम जानता भी नहीं, इतना विराट स्वरूप है उनका, इतनी तोहमतें होती, रणछोड़ कहा जा रहा है कि भगोड़ा है ये तो, शिशुपाल ये तो कहीं चढ़ाता है ना उनको, तू तो भगोड़ा है, तेरी मेरी मुकाबला क्या है, मैं तो ये कर दूँ, मैं तो वो कर दूँ। और जब उसे पता है कि मैं चक्रधारी में चाहूँ तो 1 सेकंड वध कर सकता हूँ, ये शीलता है कि आपको अपना संयम पहचानना होगा, अपनी शक्ति पहचाननी होगी, जानना होगा कि आपको शांत होकर बदलाव क्या लेकर आना है। उन्हें पता था कि मुझे एक दिन गीता का संदेश देना है जो आने वाले हजारों हजार साल तक सुना जाएगा और इससे जो युवा पीढ़ी कहें या जो जनमानस है उसका मार्ग प्रशस्त करेगा।
इसलिए उसका शांत होना खुद पर निर्भर करता है।